महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना की बैठक, उद्धव ठाकरे ने सभी नेताओं, विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई। पार्टी में बगावत करने वालों को शरद पवार की दो टूक, कहा कि पछताएंगे जो छोड़कर गए हैं साथ। शरद पवार ने कहा कि जनता हमारे साथ, एक टाइम खाऊंगा, पार्टी को फिर से वापस उठाऊंगा। पवार ने अजीत को विद्रोह का आशीर्वाद देने से इनकार किया, प्रमुख सहयोगियों को बर्खास्त किया, विभाजन के बाद शक्ति प्रदर्शन किया। महाविकास अघाड़ी से निकले अजीत गुट का ऐलान, महायुति होगा बीजेपी और शिवसेना के साथ नए गठबंधन के नाम। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया, साथ ही सुनील तटकरे को पार्टी की सदस्यता से भी हटा। प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार गुट के एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयंत पाटिल को राज्य राकांपा प्रमुख के पद से हटाने और तटकरे को नियुक्त करने की घोषणा की गई। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले का बयान, प्रफुल्ल पटेल सुनील तटकरे ने नियम तोड़े हैं और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो। अजीत पवार के साथ जाने वाले 9 एमएलए को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव एनसीपी अनुशासन समिति में पास। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार स्पीकर के पास, गुट की ओर से लिखी गई है चिट्ठी। कांग्रेस की भी मुंबई में बैठक, विपक्ष के नेता पर चर्चा के आसार। आज शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट की अलग अलग से बैठकें, वहीं 5 जून को होगी एनसीपी के दोनों ही गुटों की बैठक। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा दावा, कहा सुप्रिया सुले को कैबिनेट पद मिले तो आप आश्चर्य ना करें। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बयान, कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार पर लिखी किताब के लॉन्चिंग समारोह में बोले लालू यादव, लालू ने मोदी पर जमकर साधा निशाना। ये मोदी पर दिखा हमला बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी को पश्चिमी राज्य में डकैती करने का उन्होंने आरोप लगाया, बोले कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में नहीं। लालू ने कहा कि शरद पवार एक राष्ट्रीय नेता है, नरेंद्र मोदी ने उनके साख में सेंध लगाने की कोशिश की, बीजेपी भाई भाई को लड़वाने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बयान, नीतीश कुमार के विधायकों में असंतोष, कभी भी टूट सकती है पार्टी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, विधायकों में डर है कि नीतीश कुमार साथ रहेंगे तो राजनीतिक करियर बर्बाद होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा सुशील मोदी देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, पार्टी एकजुट है। दिल्ली में अमित शाह से सीएम धामी की मीटिंग, यूसीसी पर देर रात तक मीटिंग हुई। देर रात मीटिंग में उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रंजन देसाई मौजूद रहे। यूसीसी कानून को लेकर बरेली में दरगाह हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा 30 करोड़ मुसलमान इस कानून को कबूल नहीं करेंगे। मुश्किल में लालू पवार, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने दाखिल किया चार्जशीट। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को मिलाकर परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल।